तो आइए हम वेब डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज के लेशन को कुछ आगे बढ़ाते हैं। अभी हम देख रहे थे कि जो टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं वो दो तरह की हैं, स्टैटिक्स वेबसाइट्स एंड डायनामिक वेबसाइट्स। स्टैटिक्स वेबसाइट को बनाने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमें लैंग्वेजेस चाहिए, वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। विद द हेल्प ऑफ द HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट वी कैन क्रिएट स्टैटिक्स टाइप ऑफ वेबसाइट्स। तो अब बात आती है कि ये स्टैटिक्स वेबसाइट्स क्या होती हैं। स्टैटिक्स वेबसाइट वो होती हैं जिनमें वेब पेज के कंटेंट को यूजर उसके साथ में इंटरैक्ट नहीं कर सकता, उसका इंटरैक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो डायनेमिक टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, जिनको क्रिएट करने के लिए जो हमें जिन टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है, वो PHP, ASP, JSP और पाइथन है। ये चारों टेक्नोलॉजी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं, जिनके लिए एक डेटाबेस की जरूरत होती है, जैसे कि MySQL, MSSQL एंड ओरेकल। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस लैंग्वेज की मदद से हम एक डायनेमिक वेब पेज को बना पाते हैं। तो जो डायनेमिक वेब पेज बनते हैं उनमें जो डायनेमिक कंटेंट होते हैं उनमें यूजर इंटरैक्ट कर सकता है, लेकिन जो स्टैटिक्स वेब पेज बनते हैं उनमें यूजर इंटरैक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक चीज और देख ले, हमने यहाँ पे बताया कि PHP, ASP, JSP और पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, बट इनके कोड सर्वर साइड में एग्जीक्यूट करते हैं। तो जिनके कोड सर्वर साइड में एग्जीक्यूट करते हैं वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई, जबकि जावा स्क्रिप्ट के जो कोड होते हैं वो क्लाइंट साइड में रन करते हैं, इसलिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई। लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है जिसमें समय का अभाव हो गया है कि एक डायनेमिक वेबसाइट को बनाने के लिए हम PHP और MySQL के कॉम्बिनेशन को ना यूज करते हुए PHP और MySQL में बनाए गए CMS को यूज करते हैं। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम इजी वे में डायनेमिक कंटेंट को या स्टैटिक कंटेंट को मैनेज कर पाते हैं। तो आजकल डायनेमिक वेबसाइट बनाने का मीनिंग हो गया कि हम वो वेबसाइट PHP एंड MySQL में, ASP और MSSQL में, JSP और Oracle में, या Python और MySQL में न बना करके हम उसको किसी न किसी CMS की मदद से बनाते हैं। CMS में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला CMS है वो है WordPress। WordPress के बाद Drupal, जुमला, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। या तो हमारा जो डायनेमिक वेबसाइट है वो WordPress में बनी होगी, या तो Drupal में बना होगा, या तो जुमला में। जिनको प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस अच्छा लगता है उसे एक PHP में या कोड इग्निटर में भी बनाते हैं। इनके अलावा और भी जो पॉपुलर है वो है मैजेंटो। चूंकि आजकल मार्केट में शॉपिंग टाइप के वेबसाइट्स आ गए हैं जिनको क्रिएट करने के लिए OS कॉमर्स आजकल एक अच्छा कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया है, या फिर उसको हम जेनकार्ड की मदद से बनाते हैं। सिमस के लिए हम मैम्बो, वर्चुमार्ट या इस पब्लिश को भी यूज कर सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, बट जो ज्यादा पॉपुलर है, जो ज्यादा यूज हो रहे हैं वो वर्डप्रेस, ड्रुपल और जुमला है। या अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो CMS है, जिसको इसमें हमने मेंशन नहीं किया है, वो है ब्लॉगर, दैट इज द ब्लॉगर। ब्लॉगर के बाद जो दूसरा CMS है वो है वर्डप्रेस। तो हम क्या यूज करेंगे, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, ड्रुपल एंड जुमला। अगर हमारी बहुत बड़ी कंटेंट मैनेजमेंट वेबसाइट है तो उसे हम जुमला में बनाएंगे, जैसे कि बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स। या फिर हमारी शॉपिंग साइट है तो उसे हम बनाएंगे OS कॉमर्स में या फिर जेनकार्ट में। ये था हमारा अबाउट द
स्टैटिक टाइप ऑफ वेबसाइट्स एंड डायनेमिक टाइप ऑफ वेबसाइट को हैंडल करने के लिए जिन कोड की जरूरत पड़ती है, जिन टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन। दो कदम उससे आगे चलने के बाद हम उसके सीएमएस कंटेंट पर भी डिस्कस कर लिए कि आजकल हम इन कोड को ना यूज करते हुए डायरेक्ट हम किसी न किसी सीएमएस को यूज करते हैं, एंड दैट सीएमएस मे बी ब्लॉगर, मे बी वर्डप्रेस, मे बी ड्रुपल एंड मे बी जुमला। और भी ज्यादा हम कंटेंट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये बहुत सारे सीएमएस हैं, हम इनमें से किसी को भी यूज करके अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं।